पिंटा जोशी बैक टू द पवेलियन। भारती दीपक को अपन टेलीस्कोप ये टीडी पर दिखाएंगे। यहां भी होगा वहां तर यापुढीलचा सामना असेल विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली विपक्ष वीर तानाजी क्रीडा मंडळ दापोडे या दोन टीम मध्ये। तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल टॉस साठी आपण यायचं आहे आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्टिंग करायचं आहे। विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली संघाचे संघनायक आणि वीर तानाजी क्रिकेट संघ दापोडे संघाचे संघनायक। नवीन फलंदाज तुषार पाटील येतो आहे। पहिला चेंडू यॉर्कर चेंडू फेकला होता तुषार पाटील साठी। डिफेन्स करतोय नक्कीच। क्रिकेट मध्ये म्हटलं तर चांगल्या चेंडूवरती सन्मान देणं गरजेचं असतं आणि खराब चेंडूला नक्कीच त्याचा पुरेपूर फायदा घेणं हे गरजेचं असतं। तेच दाखवतोय तुषार पाटील आणि पहिल्या चेंडूवरती डिफेन्स करतोय। तुषार पाटील खूप मोठं नाव आहे जुनी डोंबिवली डोंबिवली या विभागातून बिलॉंग करतो। अप्रतिम फॉर्म मध्ये आहे। NPL ही स्पर्धा खेळण्यासाठी गेला होता दुबई येथे। यावेळी चांगला फटका आहे। डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत शेखर दळवी जे संघनायक आहेत अमर स्पोर्ट्स कासने या टीमचे। आणि तीन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 13 धावा 4.33 ची सरासरी प्रति षटका मागे मेंटेन ठेवली जाते। नक्कीच मच्छिंद्र सर जर आपण पाहायला गेलं पहिल्या तीन षटकांमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे अमर स्पोर्ट्स कासने या टीमने। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। चलते दोस्तों विकेट के सदाबहार बेहतरीन दुनिया में मच्छिंद्र पाटिल फिर एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए टीडीपी के रुख करेंगे यहाँ पर। आज के प्रतियोगिता का यह पहला मुकाबला टॉस जीतने के बाद डोंबिवली ग्रामीण वर्सेस अमर स्पोर्ट कासने के बीच में चलता हुआ बहुत ही शानदार मुकाबला 6 ओवर का मुकाबला और पहले टॉस जीता अमर स्पोर्ट कासने ने फील्ड करने का अहम फैसला किया और इस फैसले को बिल्कुल सही साबित भी करने में कामयाब हासिल हो चुके। 3 ओवर का खेल कुल मिलाकर समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर हम देख पाएंगे 13-2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। रोशन शुरुआत चार विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर यहां पर हम देख पा रहे 13 रन 2 ओवर अभी भी शेष है और 3 ओवर अभी भी शेष है। 3 ओवर में अभी भी बहुत कुछ बन सकता है। देखना है किस प्रकार गेंदबाजी की शुरुआत की कपिल पाटिल ने उसी के बलबूते पर गेंदबाजी की फिर एक बार कपिल पाटिल यहां पर गेंदबाजी में आते हुए। पहला ओवर कितना अजीमो शान था कितनी शानदार गेंदबाजी की थी सटीक लाइन को बरकरार रखकर गेंदबाजी की थी और बल्लेबाज के ऊपर पूरा दबाव बरकरार किया था। इस बीच गेंद बल्ले का ऊपरी किनारे गेंद जा रही स्क्वायर ऑफ द विकेट एक रन से यहां पर नहीं रोक पाए बल्लेबाज को इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देते हुए। कुल मिलाकर ये 14 ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर में हमने एक छक्का देखा था जो बड़ा हिट था उसके बावजूद एक भी चौका छक्का नहीं देखने को मिल पा रहे जिसके कारण टीम का स्कोर यहां पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर यहां पर 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 14 ओवर प्रगति पर टॉस हारकर पहले डोंबिवली ग्रामीण बल्लेबाज करते हुए 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में कपिल पाटिल बहुत ही बढ़िया शॉट कमाल की टाइमिंग ताकत तकनीक नजाकत गेंद सीमा पर शानदार छक्का। myshare.com ऑर्डर किराना फटाफट डिलीवरी झटपट यांचा दणदणीत टीडीपी षटकार। जसुदीन से भिवंडी के एबी डेविल्स नाम से जाने जाते हैं कपिल पाटिल जिसने पहले ओवर में पावर प्ले के ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था ओपी ब्लैक बैज के तौर पर और जिसके बाद यहां पर उनके ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं इस समय जसुदीन से।
इज अ ब्यूटीफुल क्रिकेटर इन द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड रिवर्स के जरिए, और इसमें कामयाबी नहीं मिली उनको डॉट गेंद की समाप्ति, क्योंकि कपिल भी जानते हैं जिस प्रकार खेलने का जरिया था उनका, बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, रिवर्स के जरिए खेलना चाहते इस गेंद को, जो कि पॉइंट और कवर के बीच में जो फासला है उस फासले को तय करना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। ये वही कपिल पाटिल है जिसने प्रभावित किया था पहले ओवर में शानदार गेंदबाज कर। और ये क्लीन बॉल, कोई रोका नहीं यहां पर, बड़ा हिट, और ये विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ, बड़ी सफलता फिर एक बार कपिल पाटिल के नाम पर। सदस्य वड़घर, भारती दीपक पाटिल पुरस्कृत ये टीडी पाटिल के लिए। मैदान से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। रोशन क्या कहेंगे, शुरुआत अच्छी नहीं मिली, फिर भी दूसरे ओवर में 10 रन मिले थे, फिर एक बार तीसरे ओवर में 3 रन मिले। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा उस बल्लेबाज की, जसुदन शेख की, जिसे एबी डिविलियर्स के नाम से जाना जाता है। छक्का तो लगाया था लेकिन पारी को बरकरार नहीं रख पाए मैदान पर। नक्कीच सातत्य हे खूप महत्त्वाचं असतं, आणि जे सातत्य टिकवलं मित्र म्हणेन कपिल पाटीलने, कारण की पहिलं षटक ज्याप्रमाणे फेकलं होतं त्यानंतर गैसुद्दीन शेख ने षटकार ठोकला, परंतु त्याने संयम ठेवला आणि संयमच्या जोरावरती गैसुद्दीन शेखचं विकेट मिळवलं। नक्कीच फिरकीचं माहेरघर म्हणून म्हटलं तर वाडेकर या टीमला, आणि वाडेकरचा हा सुपुत्र आपण पाहतोय कपिल पाटील। आणि जेव्हा जेव्हा सर रायगड आणि ठाणे ही मॅच होते तेव्हा तेव्हा ठाणे या संघामध्ये आपण नेहमीच पाहत असतो कपिल पाटीलला। नए बल्लेबाज मैदान पर साई शेलार, जिनका बोलबाला चलता है डोंबिवली क्रिकेट में, ठाणा के क्रिकेट में बात करेंगे तो ये देखिए गेंद की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। तजुर्बा क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है, किस प्रकार गेंदबाजी की जाती है, बहुत ही शानदार उम्दा गेंदबाज का प्रश्न करते हुए कपिल पाटिल। एक छक्का लगाया था जसुद्दीन ने लेकिन उसका भी विकेट चटकाने में कामयाबी मिली। साई शेलार बल्ले का फेस कॉल, यहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और यहां पर बनता हुआ आसान सा कैच। दो गेंदों का इस्तेमाल किया साई शेलार ने, जो कि विद्यमान पार्षद भी है, बहुत बड़े खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर अपना जलवा नहीं दिखा पाए। छठा विकेट का नुकसान, टीम का स्कोर वही जगह पर रुका हुआ, टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ 20 के ऊपर। भारती दीपक पाटिल पुरस्कृत कपिल पाटिल के ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर यहां पर विकेटें गिरी है, 6 विकेटें का नुकसान हो चुका है, टीम का स्कोर है 20 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। यानी कि जो औसत हम देख पा रहे रन रेट की तो बात करेंगे तो 5.0 के औसत से ये टीम आगे बढ़ रही है, और लगातार विकेटों का नुकसान यहां पर बता रहा है कि गेंदबाजी सटीक लेंथ लाइन से चल रही है। कपिल पाटिल ने 2 ओवर का स्पेल समाप्त किया, उन्होंने अपने ओवर में 2 ओवर फेंके, 3 सफलता अर्जित की उन्होंने और रन खर्च किए उन्होंने 8 रन देकर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी तारीफ के काबिल। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टीम का स्कोर 20 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है और 5वां ओवर प्रगति पर राजू गोगा यहां पर गेंदबाजी के दास्तान पर। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज भारत के बल्लेबाज बबलू पाटिल, 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर हालात काफी नाजुक है, 20 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 4 ओवर के समाप्ति के तहत। इस बीच अगेन स्ट्रॉन्ग अपील अंपायर के ऊपर, बड़ी लाउड अपील हमने देखी यहां पर, जिस प्रकार गेंद को यहां पर फेंका था, निचले हिस्से में रखा था लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद लक्ष्य से बाहर जा रही थी, यही अंपायर ने देखा पैनी निगाहों से और कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। नक्कीच सर, खूप चांगली गोलंदाजी करतोय, कारण की ज्याप्रमाणे त्याने दुसरं षटक तिसरं षटक फेकलं होतं त्याचप्रमाणे नक्कीच या 5व्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतोय।
पहला स्पेल किया था राजू बोगा ने, तीन रन दिए थे उन्होंने और सफलता प्राप्त की थी एक अच्छी गेंदबाजी। फुल टॉस कारपेट के जरिए ड्राइव के इस गेंद को गेंद जा रही मिडिल विकेट में, शानदार फील्ड का मुजाहरा, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जिस प्रकार ओपिनियन लिया था सिद्दीक भावे सर ने, जिन्हें हम अपना गुरु मानते, हिंदी के गुरु है हमारे, हो उन्होंने जब इंटरव्यू ली थी तो दोनों कप्तान से रूबरू की थी, 60 या 60+ का दावा भी किया गया था, लेकिन जिस प्रकार गेंदबाजी की शुरुआत हुई बल्लेबाज यहाँ पर नाकाम हुए, जिसके तहत टीम का स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे चलता हुआ पांचवा ओवर प्रगति पर, 6 ओवर का मुकाबला और 6 विकेटों के नुकसान के पर टीम का स्कोर यहाँ पर अल्पेश गायकवाड़ में बता रहे 21 के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान पर। शानदार माहौल, ठीक सुबह के 10:30 आज का पहला मुकाबला TDPL का। बहुत अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड, एक और सफलता, दूसरी सफलता प्राप्त की राजू बोगा ने अपने स्पेल में, दूसरे स्पेल में और दिनू कामले फैम टीम वीके प्रतिष्ठान और वीर तानाजी दापोडे के कैप्टन, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। पांचवा ओवर चल रहा है और वाकई में कपिल पाटिल मैन फ्रॉम वाडेगर बॉल एक्सलेंट, बट नो डाउट एट ऑल बाउंडर ऑफ भिवंडी राजू बोगा बॉल एक्सलेंट, लास्ट वन वॉज अ वी स्विंग डिलीवरी, नीक एज ऑफ द बैट एंड रोस्ट विकेट कीपर। थैंक यू सर। लगातार विकेटों का नुकसान यहाँ पर, भले साझेदारी की तलाश की जा रही थी लेकिन एक भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर नहीं टिक पाया, एक अच्छी साझेदारी नहीं बन पा रही, जिसके कारण विकेटों का लगातार नुकसान हम देख पा रहे हैं। लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रखा है, 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है, पांचवा ओवर प्रगति पर है और टीम का स्कोर यहाँ अल्पेश गायकवाड़ में बताते हुए 21 के ऊपर यहाँ पर टीम का स्कोर बनता हुआ। ये देखिए स्वीप शॉट करने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुए और ये हिट लगाने की कोशिश, इसमें भी नाकाम, एक रन का इजाफा होता हुआ। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रन्स, इफ बॉल हैड हिट टू स्टंप्स एब्सोल्युटली द बैट्समैन वुड हैव टू गॉन, बट दिस टाइमिंग वेरी लकी, इज गुड लक और टीम का स्कोर यहां पर 22। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल पा रही, यहां पर गेंदबाजी तो अच्छी हुई, उफान पर भी 2 छक्के भी हमने देखे जो हमने विशाल शाह के माध्यम से जरिए एक छक्का देखा। इस बीच अगली गेंद, आपकी बार शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट नंबर गिरता हुआ, यहां पर 8वां विकेट मैदान से बाहर, टाइमिंग नहीं कर पाए, ताकत की कमी पाई गई यहां पर, एक और विकेट का नुकसान, 8वां विकेट मैदान से बाहर। नक्कीच मच्छिंद्र सर, जर आपण पाहायला गेलो तर डोंबिवली ग्रामीण स्टार पूर्णपणे बॅकफूट वरती आहे, तू चल मी आया ही स्थिती आपण पाहतोय डोंबिवली ग्रामीण स्टार या टीमची। निश्चित रोशन, इसी की तो बात मैंने की थी, इसका भी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर विकेटों का लगातार सिलसिला जारी हो चुका है, एक साझेदारी की जरूरत थी, कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिकने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके तहत यहाँ पर हम देख पा रहे लगातार विकेटों का सिलसिला और टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर, पांचवा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर यहाँ पर। मच्छिंद्र, कारण ये भी रहा है कि अगर हम अमर कसने की गेंदबाजी देखते हैं तो उनके जो दोनों फ्रंट लाइन बॉलर है कपिल पाटिल और राजू बोगा, दोनों ने बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की है, लेंथ और लाइन को बहुत अच्छा मेंटेन किया है और दोनों बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, इसलिए जो नेचुरल स्विंग है उस पर बल्लेबाज चकमा खाए और कई बार सर एंगल भी मिला है इन गेंदबाजों को, बहुत अच्छी बात छेड़े आपने यहाँ पर। इस बीच रिवर्स के जरिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पर 2 बाउंस, पहला चौका इस पहले पारी का। किरण शिंदेच्या बॅट मधून हा चौकर येतोय, किरण शिंदे जो नक्कीच एक रायझिंग स्टार आहे, कारण की
अंडरम क्रिकेट मध्ये खूप मोठं नाव आहे संपूर्ण मुंबई मध्ये, कारण की अंडरम क्रिकेट मध्ये असा एकमेव खेळाडू आहे ज्याच्या नावावरती मॅन ऑफ द सीरीजच्या दोन बाईक आहेत, एवढा मोठा खेळाडू आहे अंडरम क्रिकेट मध्ये. आणि तो मात्र ओरम क्रिकेट मध्ये देखील खूप चांगली कामगिरी करतो. विक्ट्री स्पोर्ट्स हा त्याचा व्यावसायिक संघ आहे. बिलकुल, मैं तो इतना कहना चाहूंगा की जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो फिर टेढ़ा करना होता है. स्विच हिट किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ कमेंटेटर संदेश पाटिल का भी हम TDPL में इस वक्त स्वागत कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे मैच का मजा ले रहे हैं tenniscricket.in के. टीम का स्कोर 26 नवे नंबर के बल्लेबाज यहां पर चौका लगाकर खाते की शुरुआत करते हुए. ये TDPL है, नौवे नंबर पर बल्लेबाज आए, दसवें नंबर पर बल्लेबाज है, उनसे भी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है. टीम का स्कोर 26 टीम का स्कोर यहाँ पर. ये TDPL का जलवा हम देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा, शानदार प्रतियोगिता. दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का, कुल मिलाकर 16 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी हैं और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी बड़ी बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बहुत ही शानदार. तर यापुढील सामना असे विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली आणि वीर तानाजी क्रीडा मंडळ दापोडे. तर दोन्ही संघाच्या संघटनांना विनंती असेल की प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे टॉस साठी. लेग बाइस कैशन अंपायर की ओर से कल्पेश जाधव यहां पर आखिरी ओवर पारी का करते हुए. डोंबिवली ग्रामीण टीम यहां पर रनों के लिए संघर्ष कर रही है, जूझ रही है रनों के लिए, एक एक रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. इस पारी में हमने दो छक्के देखे, एक चौका भी देखा. रनों की कुल रन संख्या आखिरी ओवर प्रगति पर, इस पारी का आखिरी ओवर और टीम का स्कोर 27. ओवर द विकेट टपकाने के बगैर थोड़ी सी स्विंग होती हुई यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. हालांकि दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बात तो मैं यहाँ पर बिल्कुल जिक्र करना चाहूंगा, ये जो विकेट आप देख पा रहे हैं कॉन्क्रीट विकेट है. मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि क्ले विकेट, जो मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट हम देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्क्रीट विकेट का इस्तेमाल किया गया है. ये भी हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे. बीइंग अ कमेंटेटर इट्स माय ड्यूटी. शॉर्ट पिच गेंद, फिर वही एंगल बनाने की कोशिश, बल्लेबाज के फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं है. एक और दौड़ की समाप्ति. यस, इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम द कैप्टन कल्पेश जाधव इन डेथ ओवर, बिकॉज लास्ट वन वाज अ लिटिल बिट मोमेंट इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस. लवली डिलीवरी, कैप्टन हिमसेल्फ टेकन द रिस्पांसिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर. ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जाधव. वंस अगेन इस बार गेंद को स्क्वायर कट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. शॉट डीप थर्ड मैन के रीजन में एक रन कुल मिलाकर पूरा करते हुए. हालांकि जगह दी थी वहां पे स्क्वायर कट खेलने के लिए, लेकिन गति परिवर्तन को बहुत ही चतुराई से किया था वहां पर कल्पेश जाधव ने. कमेंटेटर मनीष पाटिल वॉइस ऑफ महेंद्र ने भी TDPL को इस वक्त देख रहे हैं, कल हमारे साथ रहेंगे यहाँ कॉमेंट्री में. वेलकम. इस बीच अगली गेंद सीधा, हो What a catch, what a catch, spectacular catch, wonderful. Rocket, क्रिकेट में इस तरह के कैचेस को रॉकेट कैच कहते हैं. भारती दीपक पाटिल पुरस्कृत ही TDPL विकेट. लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए, आप दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है. 28 रन सर, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर और आखिरी गेंद मैदान पर इस पारी की. डोंबिवली ग्रामीण रनों के लिए संघर्ष कर रही है और आखिरकार संघर्ष करती रही, जूझती रही रनों के लिए. 28 रन टीम का स्कोर, अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर और अंतिम डिलीवरी इस ओवर की. और इसी के साथ एक और विकेट, अंपायर का इशारा यानी कि ऑल आउट हो चुके हैं 28 के ऊपर. बहुत ही कम स्कोर डोंबिवली ग्रामीण की ओर से. शुरू से अंत तक संघर्ष करती रही, लेकिन अंतकाल तक संघर्ष जारी रहा और पारी समाप्त हो चुके. 28 के ऊपर पारी सिमट चुके डोंबिवली ग्रामीण की और 29 रन का आसान सा लक्ष्य रखा यहाँ पर अमर स्पोर्ट्स कास्ट के सामने. आइए पारी की शुरुआत जब होंगे सुनेंगे हम यहाँ पर डोंबिवली की और भिवंडी की स्वीट वॉइस यहाँ पर सुनेंगे हम सिद्दीक बाबे को. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मच्छेंद्र. आइए दोस्तों, एक बड़े मुकाबले का हम टॉस करने जा रहे हैं.
कुंदन पाटिल ओनर फैम टीम वीर तानाजी दापोडे। हेलो 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 सर, एक मिनट थांबवतोय, काही सन्मान आहेत आपल्या व्यासपीठावरती। यस यस सर। तर सन्माननीय हेमंत भोईर साहेबांना विनंती असेल, दापोडे गावचे उद्योजक सन्माननीय रमेश पाटील साहेबांचा यथोचित मानसन्मान करायचा आहे। एक पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय रमेश पाटील साहेबांचा सन्मान केला जातोय। साहेबांचं विशेष आभार व्यक्त करतोय, आपला अमूल्य वेळ दिला या स्पर्धेसाठी। तर सत्यवान पाटील साहेबांना विनंती असेल आपले शुभ हस्ते, दापोडे गावचे उद्योजक सन्माननीय उत्तम शेठ पाटील साहेबांचा सन्मान करायचा आहे। त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, त्यांनी देखील या स्पर्धेसाठी अमूल्य वेळ दिला। थँक्यू। आइए दोस्तों, बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। मेरे साथ वीके प्रतिष्ठान के बहुत ही महान क्रिकेटर जीत हैं और साथ में भिवंडी के हरफन मौला खिलाड़ी प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट भवेश पवार वीर तानाजी दापोडे के। जल्पेश ये बताइए कि टॉस किसके हाथ से हम करने जा रहे हैं। थाना जिला प्रीमियर लीग का एक अहम मुकाबला। आइए, प्रिंस ऑफ दापोडे कुंदन पाटिल के काका श्री हमसे जुड़ चुके हैं। रमेश पाटिल जी, आइए उनके शुभातों से हम टॉस करने जा रहे हैं। टॉस को इस वक्त जीता है वीके प्रतिष्ठान ने। अनेक अनेक धन्यवाद रमेश पाटिल जी, आपसे निवेदन है कि मंच की शोभा को बढ़ाना है। आइए जगदीश तारमाले युवा कमेंटेटर है, वो जीत से पूछेंगे कि टॉस जीत के वो क्या करना चाहते। जीत नक्कीच आपण पाहू शकाल, कोरोना नंतर पहिली टूर्नामेंट ऑफिशियल टूर्नामेंट आहे। याआधी खूप सारा टूर्नामेंट झाल्या असतील, परंतु पहिली ऑफिशियल टूर्नामेंट, ज्या टूर्नामेंटसाठी 2 महिने अथक परिश्रम या संपूर्ण आयोजकांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले, खूप मोठा खेळाडू आहेस। आणि कोरोनानंतर एवढी मोठी टूर्नामेंट प्रेक्षकांच्या समोर खेळायला मिळतीय, तर सर्वप्रथम या आयोजनाविषयी आणि या टूर्नामेंट कोरोनानंतर झाली तिच्याविषयी काय म्हणशील? खरंच खूप छान आयोजन केलं आहे आणि खरंच मानावं लागेल आयोजकांना, कारण कोरोनानंतर लगेचच्या लगेच इतकं मोठं आयोजन करणं आणि यासाठी किती मेहनत केली असेल ते त्यांना माहिती आहे। आणि खरंच इथे आल्यानंतर असं वाटलं की खरंच टेडीपेल आहे, बघण्यासारखं आहे आणि इथे खेळण्यासारखं आहे आणि खूप एन्जॉय करता येईल इथे। आणि नक्कीच धन्यवाद देतो मी आयोजकांना, कारण त्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि आम्हाला खेळण्यासाठी चान्स दिली कोरोनानंतर। नक्कीच जीत, वाकण संघाचं नक्कीच एक दादा संघ आहे, नाव खूप मोठं आहे। याआधी स्वर्गीय रतनबुवा स्मृतिचषक असेल, खूप साऱ्या मोठ्या स्पर्धा तू खेळलायस, परंतु पहिली डिस्ट्रिक्ट लेवलवर एक चांगली प्रीमियर लीग इथे आयोजित केली आहे, तर ही स्पर्धेमध्ये पहिला सामना, समोरचा संघ देखील खूप दादा संघ आहे, त्या संघासमोर खेळत असताना काय प्रेशर असेल का? हो नक्कीच, कारण खूप चांगला संघ आहे भावेश पवारचा आणि त्याच्यासोबत खेळताना नक्कीच प्रेशर नक्कीच असेल, परंतु आम्ही नक्कीच 100% देऊ आणि नक्की जिंकण्याचा प्रयत्न करू। जीत पहिले दाखवा की निर्णय काय, नाणेफेक जिंकले फील फर्स्ट करू आम्ही। क्षेत्ररक्षण स्वीकाराल, 6 ओव्हरमध्ये समोरच्या संघाला लगभग किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल आणि कोणते की गोलंदाज आहेत तुमच्याकडे की ज्यांच्याकडे एक अपेक्षा असेल ॲज अ कॅप्टन म्हणून? नक्कीच मी 45 किंवा 50 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि तसे गोलंदाज सुद्धा आहेत आमच्या टीममध्ये, अमरुज खान आहे, परत कमलेश आहे, पंकी आहे, भावेश विजय पवार आहे आणि चांगले गोलंदाज आहेत आणि नक्कीच ते त्यांना थांबवण्याचं काम करतील 45 किंवा 50 धावांपर्यंत। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक जीत।
मेरे साथ प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, प्राउड ऑफ टेनिस क्रिकेट भावेश पवार, लेकिन ये प्राउड ऑफ थाना जिला, थाना जिला प्रीमियर लीग है। पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है ये नए फॉर्मेट में? बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहले साल हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है कि है, और बहुत दिन के बाद ये टूर्नामेंट मतलब खेलने का ये चांस मिला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भावेश ये बताइए, आपकी नज़र से टॉस इम्पोर्टेंट था, जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही लेता, लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई, तो गेम प्लान टू को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और एक लक्ष्य तो होगा कि जहां तक जाना चाहेंगे? लक्ष्य तो 60 प्लस करना चाहूंगा। आप तो ड्रॉप सीन के हीरो है, लेकिन इनिशियल ओवर दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंडेटरी पावर प्ले में कौन से गेंदबाज रहेंगे, कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो ओपन करेंगे? ये इनका नाम नहीं बोलूंगा, जो भी मैच में रणनीति रहेगी। तो एक हॉट मैच होगा। थैंक यू। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज द वीके प्रतिष्ठान won the toss selected ball first is back to the commentary box। Two openers on the ground, king of Bhiwandi cricket Bilal Sheikh and Kalpesh Jadhav, these two are the openers। Is going to be Yogesh Mhatre open the bowling attack, goes past us, goes to Bilal, firmly driven, very good stop, could be a run out, yes he's out, there is the hesitation between both batsmen and finally captain Kalpesh Jadhav is out for done। आणि घर बसल्या लाइव स्ट्रीमिंग पाहणाऱ्या आमच्या सर्व प्रेक्षकांचं मी समालोचक जगदीश तारमळे मनपूर्वक स्वागत करतोय। सिद्दीक सर, पहिली टूर्नामेंट आहे, पहिली स्पर्धा आहे जी मी भिवंडीमध्ये करतोय ॲज अ कॉमेंटेटर म्हणून, आणि ज्यावेळी मी तुमचं नाव ऐकलं, मच्छिंद्र पाटील सर त्याच्यासोबत, सुभाष धुमाल सर असतील, रोशन संते, त्यानंतर कुठेतरी प्रेशर वाटला की ज्यावेळी एखादा टेनिस क्रिकेटर बॉलर सचिन तेंडुलकरला गोलंदाजी करेल आणि त्याच्यावर जे प्रेशर असेल ते प्रेशर माझ्यावर होतं, कारण समोर सिद्दीक भावे सर होते, मच्छिंद्र पाटील सर हे खूप मोठी नाव, दिग्गज कॉमेंटेटर, आणि त्यांच्यासमोर कॉमेंट्री करण्यासाठी चान्स मिळाला त्यामुळे कुठेतरी प्रेशर होतं सर। दिस इज युअर काइंड, यू आर वन ऑफ द ग्रेट कॉमेंटेटर। नाव डोमोली टेकन द अर्ली ब्रेक थ्रू, कल्पेश जाधव इज आउट फॉर डक इन फॉर्म ऑफ रन आउट। New batsman in Shekhar Dalvi. This time try to sweep, loud shot for LBW. Once more hesitation. What a bowling. What do you think, Jagdish? This is the great start from Yogesh Mhatre. Yogesh Mhatre, nakkiz golandajan nav avarjun gein swargiya ratnabuva smriti joshak dekhil gajavla। अगदी छोटंसं गाव आहे आणि त्या छोट्याशा गावामधनं टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर खूप मोठं नाव गाजवलं या खेळाडूने। सिद्दीक भावे सर, स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती चषकामध्ये ठाणे वर्सेस रायगड मॅचमध्ये देखील खूप चांगली कामगिरी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून नेहमी सातत्याने आपण पाहतोय। यू आर वॉचिंग ठाणा डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, वेलकम ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर, विथ मी द वॉइस ऑफ शापूर, नो सेज बाय अंपायर, batsman survives there, but a excellent delivery and Shekhar Dalvi in trouble now, target is not a huge in front of Amar Kasne, only 29, first batsman gets run out, Bilal yet open his account, large batting to follow, but this is the good start from Yogesh Mhatre, the pace and furious bowler इन डोमोली ग्रामीण। यस, नक्कीच सर, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, टार्गेट नक्कीच कमी आहे परंतु ते डिफेन्स करण्यासाठी जर इच्छाशक्ती असेल, कॉन्फिडन्स ठेवला, चांगले प्रयत्न केले। योगेश मात्रे चार्जिंग फ्रॉम हियर, राइट आर्म ओवर द विकेट, मिस स्टेपिंग, डेड बॉल सिग्नल फ्रॉम अंपायर। Yogesh Mhatre, welcome Dinanath and Dhurva, he
Here goes Yogesh Matre. Goes to Shekhar this time, loose bottom and Chintal push in cover and with the stroke batsman through for one. Nice looking push from Shekhar Dalvi. He off the mark with one and Amar Kasne one for the loss of one wicket. Sanmaniya Ratanji Patil Sahib Sandap apana Vyaspeta Sanapana Vice Ayojakancha Vatina Aplaya Thane District Premier League Made Manapurvak Hardik Saharsha Swagada. एक रन धावफलकावर लगावली गेली आतापर्यंत टार्गेट 29 धावांचे 6 ओव्हर मध्ये सुरुवात खूप चांगली झाली असे दिख सर योगेश म्हात्रे कडन विथ मी जगदीश ताडमाले रोशन संते शुभा धुमाल एंड मच्छेंद्र पाटील दिस टाइम फाइन डिलीवरी बिलाल प्लेड स्लाइटली अर्लियर एंड बॉल इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट टू बॉलर ऑन हिज फॉलो थ्रू एंड देयर विल बी नो रन लवली बॉलिंग इन मैंडेटरी पावर प्ले from Yogesh Matre, the official scorer, one and only one, Alpesh Gaikot. Yes, Nikki's first impression is the last impression. Aur pehli over, Vrat Sangla Darjadar Golandaji liner lane var karto hai, Yogesh Matre. Yogesh, here he go. Bostro Bilal, sweep that ball in vacant area. One bounce, cross the square leg boundary for four. There's all in my house. Long off and one is whitish mid wicket. King of Bhiwandi hai now to me dile aani tya darja cha khyadu hai open cricket cha apan pahile to umar 11 mumbai ya sangha kadna to khelat asto. Yes sanmaniya Prathamesh Patil VK Pratishthan che sangha malak and sir here goes Yogesh Matre boss beauty wide yorker just past this stump. What a magnificent overturn from Yogesh Matre. टेनिस क्रिकेट लाइक दर्जेदार खेळाडू अजित मोहिते यांचा देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. प्रथमेश पाटील त्यासोबत अजित मोहिते विनंती असेल आपल्याला आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय स्पर्धेचा आनंद लुटायचा. पहिले षटक संपन्न होत आहे. योगेश म्हात्रेच्या माध्यमातून धावसंख्येचा विचार केला तर फक्त 5 धावा 29 धावांचं टार्गेट चेस करायचं आहे आणि ते चेस करत असताना काय गोलंदाजी लाजवाब गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळते योगेशच्या माध्यमातून. बिलकुल कल ठाणा जिल्हा प्रीमियर लीग में बी स्पोर्ट्स खारीपार अल्ताफ बाली की टीम और भूमि केलेवन गंधारी ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई. देखना है आज कौन सी टीमें क्वालिफाई करती है और ठाणा जिला प्रीमियर लीग के लिए कमेंटेटर मनीष पाटिल वॉइस ऑफ भाईंदर ने भी कॉम्प्लीमेंट दिए. कल वो हमारे साथ रहेंगे. कल आपके साथ मशहूर कॉमेंटेटर सदाबहार एवरग्रीन अजय गरत भी रहेंगे, मनीष पाटिल भी रहेंगे और विघ्नेश रहेंगे. हालांकि ठाणा जिला प्रीमियर लीग में जिस तरह मशहूर क्रिकेटर्स हैं उस तरह मशहूर कमेंटेटर्स भी हैं. सभी को मैं वेलकम कहता हूं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गौली सर और ग्रामीण संगठना की तरफ से. खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता यसुद्दीन शेख को गेंदबाजी दी गई है क्योंकि जब आपके पास टोटल छोटा रहता है तो इस तरह के टोटल को डिफेंड करने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती है. यसुद्दीन शेख सामना करेंगे बैट्समैन शेखर दलवी. अब देखिए शेखर और बिलाल है, बिलाल तो यसुद्दीन के भाई हैं. अब ये जो तीनों खिलाड़ी हैं इनको हर एक की कमजोरियां भी मालूम है और हर एक की खूबियां भी मालूम है. ये अच्छा बैटल हम देख रहे हैं. त्रिशूल टाइगर 12वें खिलाड़ी अमर कासने के. गैसो पहली गेंद चॉप किया बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर बाउंड्री की तरफ. गेंद सरक रही है उसका पीछा कर रहे हैं. अब जाकर रिले फील्डिंग भी है लेकिन इस बीच तीन रन पूरे किए. हालांकि शॉट में ताकत नहीं थी लेकिन नजाकत ज्यादा थी. यस खूब चांगला फटका पाहायला मिळाला कवर ड्राइव शेखर दलवीच्या बॅटमधून. खूप चांगला बॉल देखील होता आणि तितका चांगला फटका त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. दोन्ही खेळाडू देखील भिवंडीचे आहेत आणि ज्या प्रकारे सिद्दीक सरांनी सांगितलं की एकमेकांच्या कमजोऱ्या विकनेस त्यांना नक्कीच माहिती आहेत. यावेळी मात्र बिलालच्या गोलंदाजीवर त्याचा सक्का भाऊ स्ट्राईक एंडला बिलाल शेख स्ट्राईक एंडला आणि यासुद्दीन शेख सज्ज होते गोलंदाजी मार्कवर. धावसंख्येचा विचार केला तर आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती 8.
29 धावांचं टार्गेट आहे आणि सन्माननीय स्वप्नीलजी पाटील साहेब यांचं शुभागमन होतंय. त्यांचं देखील स्वागत आहे TDPL 2020 या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गॅसुद्दीन शेख दूरवाले छोर से मुड़ते हुए इस मरतबा क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है. गेंद डीप वाइड शॉट विकेट पे गई है. खिलाड़ी मौजूद है डीप में. एक रन हालांकि खींच के मारा था ऑफ स्टंप के बाहर से. शॉर्ट आर्म पुल किया था वहां पर. टार्गेट छोटा आहे सिद्दीक सर. 29 धावांचं टार्गेट चेस करायचं 6 ओव्हर मध्ये आणि इथे पहिल्याच बॉलवर विकेट गेली होती रनआउट स्वरूपात. त्यानंतर मात्र एक चांगली भागीदारी एक चांगली पार्टनरशिप जिची गरज. यसुद्दीन राइट आर्म ओव्हर द विकेट. बहुत बढ़िया गेंद बल्ले के मुंह को खोला जानबूझकर स्टीयर किया 4 रनों के लिए शेखर दलवी ने. मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट क्या कहेंगे जगदीश पिछले शॉट के बारे में. एक्चुअली सर थोड़ा सा कुठेतरी धावा कमी आहेत आणि जितका स्पिरिट दिसायला हवा खेळाडू मध्ये ते स्पिरिट दिसत नाहीये. कॉन्फिडन्स दिसत नाही. बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर थी बीट किया. बहुत खूबसूरत वापसी की थी गैसुद्दीन ने. वाइड यॉर्कर गेंद थी. जगह से खड़े खड़े ड्राइव लगाना चाहते थे. अर्शद चौधरी भी हमसे जुड़ चुके हैं. ज्ञानदेव पाटिल आपका भी स्वागत. इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया. खिलाड़ी मौजूद हैं और इसका लेकिन आसानी से जज किया. शेखर दलवी आउट. यांचं देखील आगमन होते. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत या TDPL मध्ये. दूसरा ओवर चल रहा है. दूसरा विकेट गिरता हुआ. लक्ष्य 29 का और मैं चाहूंगा कि शाहपुर की युवा आवाज जगदीश तारमाले मैच के आखिर तक कमेंट्री करें. यस थैंक यू सो मच सिद्दीक सर. विकेट से पतन होते हैं. शेखर दलवी चांगला धाव संख्या होत होत्या. त्यामध्ये एक फुटा फटका मारण्याचा प्रयत्न मिसटायमिंग स्ट्रोक होता. एक चांगला झेल त्या ठिकाणी पकडला गेला. दुसऱ्या विकेटचं पतन होते. कैलास भांडे शहापूरचा एक दर्जेदार खेळाडू यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये नौशक एंडला पण पाहत आहे. गॅसुद्दीन खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. अकुटप्याचा बॉल टॉप एज लागते. विकेट किपरच्या हातावर चेंडू जातोय. कोणत्या प्रकारचा धाव घेण्याचा मानस दिसत नाहीये. 29 धावांचा टार्गेट आहे. बिलाल शेख अजून मैदानाच्या आतमध्ये 2 विकेट्स गेले आहेत. गोलंदाजी खूप चांगली झाली आहे परंतु क्षेत्ररक्षक तितकी चांगली साथ सिद्दीक सर लाभलेली नाही आहे या मॅच मध्ये. थँक्यू थँक्यू सो मच. काही सन्मान आहेत ते मी पूर्ण करतोय. आपल्या व्यासपीठावरती विक्रांत केने प्रतिष्ठान या टीमचे संघमालक आहेत प्रथमेश पाटील. तर विनंती असेल जल्पेश भोर यांना की आपले शुभ हस्ते प्रथमेश पाटील साहेबांचं शुभ सन्मान करायचं आहे. एक खूप चांगला मोमेंटो आहे. एक आठवण TDPL ची. संघमालक आहेत विक्रांत केने प्रतिष्ठान या टीमचे. विक्रांत केने जे आपल्यामध्ये नाही आहेत त्यांचे अगदी जवळचे मित्र प्रथमेश पाटील यांनी हा संघ पुरस्कृत केलेला आहे. तसेच आपण पाहतोय आपल्या व्यासपीठावरती इंडियन इंटरनॅशनल हँडिकॅप प्लेअर रवींद्र संते देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान केला जाईल आपल्या व्यासपीठावरती. तर विनंती आहे तर सन्माननीय दापोडे गावचे माजी सरपंच स्वप्नील पाटील साहेबांचे शुभ हस्ते आपण रवींद्र संते यांचा शुभ सन्मान करणार आहोत. इंडियन इंटरनॅशनल हँडिकॅप प्लेअर वर्ल्ड सिरीज असेल वर्ल्ड कप असेल तो देखील जिंकला होता आणि मेगा फायनलमध्ये देखील खूप चांगली बॅटिंग केली होती. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार भेटला होता. इंग्लंड संघाच्या अगेन्स्ट त्यांनी ती कामगिरी केली होती आणि त्यांना देखील आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहू शकाल विक्रांत केने प्रतिष्ठान या टीममध्ये. कहा जाता है के हौसलों में उड़ान चाहिए. तसेच ज्ञानदेव पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ असते
दापोडे गावचे माजी सरपंच सन्माननीय स्वप्निल पाटील साहेबांचा सन्मान करायचा आहे। आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत दापोडे गावचे माजी सरपंच स्वप्निल पाटील साहेब, त्यांचा यथोचित मान सन्मान। धन्यवाद। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होते योगेश म्हात्रे, पहिला बॉल स्टीअर केलाय कैलास भांडेने, एक सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट करत आहेत। स्कोर कार्डवर धावसंख्या 14, विजयासाठी अजूनही 15 धावांची आवश्यकता आहे 23 बॉलमध्ये। तर धावसंख्या जर विचार केला तर फक्त 29 धावांची आवश्यकता होती। सुरुवातीचं पहिलं षटक योगेश म्हात्रेनं खूप चांगलं हाताळलं, त्याच्यामध्ये पहिल्या बॉलवर रनआउटची विकेट आली होती आणि एकंदरीत जर विषय केला तर 5 धावा दिल्या होत्या। दुसऱ्या षटकामध्ये ग्यासुद्दीन शेखने देखील खूप चांगली कामगिरी केली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा कर्णधाराने योगेश म्हात्रेवर विश्वास दाखवला। योगेश म्हात्रे हा बॉल डावेस्टीच्या बाहेर स्टीअर करत आहेत, पण आमच्याकडे इशारा करतात येस इट इज अ वाईट, एक अतिरिक्त धाव मिळते आहे यावी अमर स्पोर्ट्स कास्टली टीमला। विजयाकडे आगेकूच करतायत, एक सिंगल बरोबर स्कोर कार्डवर धावसंख्या लगावली गेली आतापर्यंत 15 धावा, 2 गडी बाद झालेत। स्ट्रायकेटला बासमन किंग ऑफ भिवंडी बिलाल शेख आणि नॉन स्ट्रायकेटला शहापूरचा एक दर्जेदार खेळाडू, शहापूर तालुक्याचा एक उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून देखील ज्याच्याकडे पाहिलं जातं। डावखुऱ्याचा फलंदाज कैलास भांडे हलक्या त्यानं फक्त पुश करतायत, एक सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट करतायत। सिद्दीक सर कोणत्या प्रकारचं रिस्क घेतले जात नाही आहे, कारण टार्गेट जर आपण पाहिलं तर टार्गेट खूप कमी आहे। देखिए बात है कि गेंदबाजी भी बहुत नपीतुली कर रहे हैं योगेश म्हात्रे, विकेट टू विकेट कर रहे हैं। हालांकि बिलाल शेख ने बहुत खूबसूरत था फ्लिक स्ट्रोक किया था। हमारे बीच थाना जिला प्रीमियर लीग के सम्माननीय अध्यक्ष प्रिंस ऑफ दापोडे कुंदन पाटिल जी का आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम। योगेश म्हात्रे गतीमध्ये परिवर्तन, टॉप एज लागतीय, शॉर्टर्मला खेळाडू आहे, कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये, अजून एक विकेटचं पतन, खूप चांगली गोलंदाजी योगेश म्हात्रेच्या माध्यमातून। बॅट्समन कैलास भांडे बॅक टू द डगआउट। माननीय सरपंच ग्राम पंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट। थँक्यू, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। TDPL चे विद्यमान अध्यक्ष तसेच ठाणे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती सन्माननीय कुंदनशेट पाटील साहेबांचं आगमन होतंय, त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सिद्धि जब भांडे ने शॉट को खेला था तो उनकी नजरें गेंद पे से हट गई थी, ऑन दी अप जब आप खेलते हैं तो आपकी जो नजर है वो काफी स्थिर रहना चाहिए और गेंद को आपने करीब से ड्राइव करना चाहिए। सिद्दीक सर 29 धावांचं टार्गेट आहे, जर अजूनही मी म्हणेन त्याच्यामध्ये जर 40 धावांचं टार्गेट असतं तर मॅच खूप चांगली इंटरेस्टिंग पाहायला मिळाली असती। डोमोली ग्रामीण को लेट रिपोर्ट करने के लिए 2 रन का जो पेनल्टी दिया गया था वो ऐड किया जा रहा है। येस, हलका तर पुश करतात नवीन फलंदाज आतिश घोडबिंदे मॅन फ्रॉम डोहले। योगेश म्हात्रेचं कौतुक करावं लागेल सिद्दीक सर, एवढ्या कमी टार्गेटमध्ये देखील खूप चांगली गोलंदाजी, पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 5 धावा, पॉवर प्लेची ओव्हर होती आणि या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत जर विचार केला तर 4 बॉलमध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात, 4 धावा खर्च केल्यात, एक विकेट महत्त्वपूर्ण विकेट देखील त्याने बाद केली आहे। यस इट हॅज बीन अ वंडरफुल फास्ट बॉलिंग फ्रॉम योगेश म्हात्रे, व्हेरी टार्डी लेंथ मेंटेन, व्हेरी गुड लेंथ एंड लाइन आल्सो। उठ द विकेट योगेश, स्विच इट खेळण्याचा प्रयत्न, बिलाल शेखच्या बॅटमधनं एक दर्जेदार फटका, थर्ड मॅन बॉडी लाईनच्या बाहेर, चेंडू निघून जातोय सीमा रेषा पार, षटकार। myshare.com ऑर्डर किराणा फटाफट डिलिव्हरी झटपट यांचा दणदणीत TDPL षटकार। एबीडीस यांच्या छोट्या भावाला म्हटलं तर परंतु एबीडीच्या अंदाजामध्ये षटकार बिलाल शेखने लगावला यावेळी, हा फटका लगोला खेळाडू तैनात आहेत, फक्त एकच धाव मिळेल। धावसंख्याचा विचार केला आतापर्यंत 26, फक्त 3 धावांची आवश्यकता आणि मॅच अगदी क्लोज पोहोचली आहेत, खूप चांगली फलंदाजी बिलालच्या माध्यमातून। सिद्दीक सर काय म्हणाल? देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एक तरफा प्यार या एक तरफा हार चाहे, एक तरफा मुकाबला हो रहा है
और थोड़ा सा निराश रहे होंगे जो लोग इस वक्त यूट्यूब पे और टेलीविजन सेट पे देख रहे हैं। बहरहाल क्रिकेट क्रिकेट है, लेकिन जिस तरह डोमोली की बल्लेबाजी रही थी, खासतौर से नीलेश मात्रे, साई शेलार जिस तरह नहीं चले थे, यसुद्दीन भी एक सिक्सर लगाने के बाद आउट हुए थे, वही कारण था। आपको अगर ऐसी विकेट पे फाइट बैक करना है तो 50 के ऊपर देखना होगा। कल जो मैचेस हुए उसमें हमने देखा, लेकिन दोस्तों स्टिल टीमिंग विद अस, कहीं भी मत जाइएगा। अगला मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है वीर तानाजी दापोडे और वीके प्रतिष्ठान के बीच में। इस नक्कीच अतिशय दर्जेदार मैच यानंतर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। एका बाजूला भावेश पवार, दीपेश माई असतील, तर दुसऱ्या बाजूला दिनू कांबळे असेल, जीत भोईर वाकणचा एक दर्जेदार खेळाडू, एक चांगली लढत, एक चांगली फाईट यानंतरच्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। 3 धावांची आवश्यकता, फक्त 29 धावांचं टार्गेट होतं। 2 विकेट 3 विकेट्स आतापर्यंत बाद झाले आहेत। बिला शेख मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही सलामी द्यायला होता, खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून, एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आतापर्यंत आपण पाहत आहे। वैयक्तिक 13 धावांवर तो खेळतोय। आपण स्पर्धा पाहत आहे ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग 2020 वीर तानाजी दापोडे क्रीडानगरी भिवंडी या मैदानावर। हा बॉल सोडून देत आहेत, यस पंचांचा इशारा आहे तो व्हाइट बॉल। दुष्काळात 13 महिना, इसे कहते हैं गरिबी में आटा गिला करना। नक्कीच अजून एक मराठीमध्ये याला म्हण आहे, आधीच कर्जबाजारी आणि त्यात उसना शेजारी। धावा तुमच्याकडे कमी आहेत आणि त्यानंतर जर अशा प्रकारे धावा तुम्ही अतिरिक्तच्या प्रमाणात खर्च केला तर मात्र सामन्याच्या बाहेर तुम्ही लवकरात लवकर फेकला जा। फक्त एका धावेची आवश्यकता, औपचारिकता मात्र शिल्लक आहे। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मॅच, वीर तानाजी दापोडे वर्सेस वीके प्रतिष्ठान डोंबिवली। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है अमर स्पोर्ट्स, कासने ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन भगवान भुईर एंड ऑल टीम, हार्ड लक नीलेश मात्रे, हार्ड लक डोमोली ग्रामीण। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की, 2 ओवर किए, 8 रन दिए और 3 विकेट लिए। मेन फ्रॉम वडेगर कपिल पाटिल, और कपिल पाटिल बाला सीनियर जो नेताजी में खेलते हैं उनके अपने भांजे हैं। थैंक यू सर, एक सम्मान अपन घेऊया आपल्या व्यासपीठावरती, और आपको मैन ऑफ द मैच भी सेरेमनी करना है। नक्कीच संदप गावचे समाजसेवक सन्माननीय रतन पाटील साहेबांचा सन्मान केला जाईल। ते मी विनंती करतो गणेश भोईर साहेबांना की आपले शुभ असते, रतन पाटील साहेबांचा सन्मान करायचा आहे आपल्या व्यासपीठावरती। साहेबांचा नक्कीच विशेष आभार व्यक्त करेन, या स्पर्धेसाठी आपला अमूल्य वेळ दिला, खूप चांगलं योगदान दिलं या स्पर्धेसाठी। तसेच भरत चौधरी साहेबांचा देखील सन्मान केला जाईल, ते विनंती असेल। दीपक पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ असते, सन्मान करायचा आहे आपल्या व्यासपीठावरती। साहेबांचं देखील आभार व्यक्त करतोय, आपला अमूल्य वेळ दिला या स्पर्धेसाठी। तसेच संजय पाटील जे संदपचे समाजसेवक आहेत त्यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जाईल, कारण की आपल्या भारताची परंपरा आहे, आपल्या भारताची संस्कृती आहे अतिथी देवभव, प्रत्येक पाहुण्याचं देवाप्रमाणे स्वागत करणं ही आपली परंपरा आहे आणि ती परंपरा जोपासली जाते आयोजकांच्या माध्यमातून। तर अमर स्पोर्ट्स कासने संघाचे संघ मालक सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे, आपला देखील यथोचित सन्मान केला जाईल, कारण की संघ मालक आहेत अमर स्पोर्ट्स कासने या टीमचे आणि पहिला सामना एकतर्फी जिंकलाय अमर स्पोर्ट्स कासने या संघाने। ऑन फील्ड अंपायर और दोनों टीमों की सूचना के लिए मैं बताता चलूं, जलपेश जी एक डीआर, एक इनिंग के लिए एलबीडब्ल्यू के लिए आप एक रिव्यू ले सकते हैं, डीआरएस सिस्टम से देखा जाएगा, एक रिव्यू दोनों टीमें ले सकती है और दोनों अंपायर्स भी इस बात को ध्यान रखें। और
इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट टेलीकास्ट दुनिया का बिग बॉस। वीर तानाजी दापोटे के कैप्टन, आपको अपना बॉल चूज करना है। भविष्य पवार, क्या बात है, मुकाबला भी शुभा धुमाल काफी कड़ा होने जा रहा है। जीत भुईड़ भी पूरी तरह दमखम से तैयार है अपनी टीम को लेकर, विके प्रतिष्ठान को लेकर, और भावेश पवार ने भी अपनी टीम को बिल्कुल अलर्ट।